एक बार देवदित्य महादेव माता पार्वती जी को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने के लिए लेकर गए। पार्वती जी ने पूछा देवदित्य महादेव से, पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, आज हम कहां जा रहे हैं? भगवान देवदित्य महादेव ने कहा पार्वती आज प्रदोष है, चलो आप और हम आज भ्रमण कर आते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा केवल एक प्रदोष का दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरे देवदित्य महादेव माता पार्वती जी के साथ में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक मेरे देवदित्य महादेव प्रदोष काल तक, मेरे शंकर प्रदोष के समय तक मेरे देवदित्य महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। केवल एक प्रदोष, एक सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान देवदित्य महादेव 64 योगिनियों के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में, देवियों के साथ में अपने भक्तों का कल्याण करने जाते हैं। एक शिवरात्रि, एक सोमवार का दिन, यह हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बीच में, स्वामी जी श्री राजीव लोचन महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवदित्य महादेव की कृपा, आपका स्नेह, गौ माता के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण भारत देश के लिए, गौ माता के प्रति महाराज जी का बड़ा समर्पण रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी के लिए साधु था। हमारे शास्त्रों में सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व कहा गया, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिवमहापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना,
मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करने के लिए। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती है, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है, तुम्हारा कल्याण जरूर करती है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। प्रदोष का दिन था, प्रदोष का दिन, अब मेरे देवाधिदेव महादेव जब चले, मेरे ओघड़दानी जब चले, पार्वती जी के साथ थोड़ी दूर पर चलने के बाद एक गांव आया, जिस गांव का एक सुंदर एक शिव भक्त था जिसका नाम रहनु था। शिव जी का एक भक्त जिसका नाम रहनु था। रहनु भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर को साफ करना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करना और शिव के मंदिर को प्रकाशित करना, शिव मंदिर को प्रकाशित करना, ये रहनु का काम था। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाता, भगवान शंकर का गुणगान करता, शिव की स्तुति करते करते शिवालय में जाता, भगवान शंकर का नाम लेता रहता। उसके पास में कोई काम नहीं, केवल अपना भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करना और मजदूरी करते करते शिव का नाम का उच्चारण करना, श्री शिवाय, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहना, शिवाय 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 शिवाय, शंकर के मूल बिंदु की पूजन कर। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना, शिव शिव शिव, बाबा बाबा बाबा, शंभू शंभू शंभू, हर हर महादेव, उच्चारण करते रहे। रहनु का काम ही केवल यही था, मजदूरी करता, थोड़ा धन आता, अपना भरण पोषण कर लेता, मजदूरी कर कर थोड़ी पैसा आता, उससे अपना पालन कर लेता, और भगवान शिव के नाम में, भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव के स्मरण में, भगवान शंकर के गुणगान में दिन रात लगा रहता, भगवान शिव की स्तुति में दिन रात लगा रहता, दिन रात काम करे तो शिव शिव जपे, कहीं जाए तो शिव शिव जपे और कहीं आए तो शिव शिव। वो हमारे शैलेन जी एक लाइन गुनगुनाते हैं बड़े भाव से, वो कहते हैं ना कि ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना